बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान से ऊपर है। कृष्णानगर में बाढ़ का पानी काफी तेजी से फैल रहा है। घरों में बाढ़ का पानी घुस जाने की वजह से देखिए किन हालातों में लोग यहाँ रहने को मजबूर है। कमर तक पानी है, लोग इसी में अपनी दिनचर्या को पूरा कर रहे हैं। पलायन करने की व्यवस्था अब इनके सामने है और देखिए कैसे अपने घर के बचे कुछ सामान को लोग अब यहां से लेकर जाते हुए, हालांकि सरकारी मदद का इंतजार ही किया जा रहा है क्योंकि कोई ना तो सरकारी नाव आपको यहां दिख रही होगी और ना ही सरकारी अधिकारी। लोगों की तरफ से बार बार ये गुहार लगाई जा रही है कि इन्हें जो मदद है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो जल्द से जल्द मिले। रात भर में इतना पानी आ गया तो ये जा रहे ऊंचा स्थान पर पलायन कर रहे हैं, तो यही जिला प्रशासन से मांग है खाने पीने का व्यवस्था करें और रहने का भी साधन करें। यह नगर परिषद क्षेत्र का वार्ड नंबर 30 है, जहां दर्जनों घरों में पानी घुस गया है। लोग कुछ स्थानों पर पलायन को मजबूर हैं और अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी पहल नहीं हुआ है। मैं जिला प्रशासन से यही मांग करता हूँ कि जिनके घरों में पानी आ गया है ऊपर के स्थानों में विस्थापित होने की व्यवस्था करें और सामुदायिक किचन की व्यवस्था करें। खबर भागलपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। लगातार बढ़ रही गंगा के जलस्तर की वजह से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के महिला हॉस्टल में पानी भर जाने के बाद देखिए क्या हालात बन गए हैं। छात्राएं जल कैदी नजर आ रही है। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद विश्वविद्यालय के कुलपति पुलिस प्रशासन के साथ छात्रावास पर पहुंचे। छात्रावास को हॉस्टल से, जहां पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इन छात्राओं को यहां से सुरक्षित निकाला गया और इन्हें इनके घरों तक भेजा गया, इसकी व्यवस्था की गई। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता आशीष रंजन। आराम से भागलपुर में गंगा का जलस्तर 45 सेंटीमीटर से ऊपर बह रहा है और अब आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों के बाद जो है शहरी इलाके में भी जो पानी है प्रवेश कर चुका है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के लालबाग स्थित पीजी गर्ल्स हॉस्टल में जो है पानी प्रवेश कर गया है और खबर दिखाए जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुलपति जो है खुद अधिकारियों के साथ जो है और विश्वविद्यालय थाना की पुलिस जो है यहां पर पानी में चल कर जो है पैदल आई है और छात्राओं से बात कर रही है और उनको निकालने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। सारा व्यवस्था मैं कर रहा हूँ, ट्रैक्टर वगैरह मंगाया जा रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं सामान जो है कितने सारे छात्राओं का है और इसके पानी से पहले बाहर निकल कर फिर इन लोगों को नाश्ता वगैरह कराएंगे, उसके बाद में ये लोग घर की ओर जाएंगे। क्योंकि अब मेरे पास इस कैंपस में 5 हॉस्टल्स है, आप समझ सकते हैं कि छात्राओं की संख्या कितनी है और जो भी होगा इंटरनल एग्जामिनेशन उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि अब कोई रखने का जगह है नहीं। ये तो बहुत ही आपातकालीन स्थिति है, इसलिए पहले मैं इसको यहाँ से निकाल के इन लोगों को बाहर निकाल रहा हूँ। रात से ही बच्चियों को खाने के लिए भी कुछ नहीं मिला है, तो खाने की व्यवस्था जो है कुलपति के द्वारा की जा रही है। कहा जा सकता है कि न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद उसका बड़ा असर हुआ है और कुलपति खुद जो है विश्वविद्यालय के इस छात्रावास में पहुंचे हैं। यहाँ पर कुल 5 छात्रावास हैं और लगभग 500 छात्राएं यहाँ पर रहती हैं और सबको निकालने की व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा की जा रही है। आशीष रंजन, न्यूज 18, भागलपुर। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे